नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका द इंडियन इन्फॉर्मर में और हम फिर से हाजिर है नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा है, तो हमने इसी को लेकर लॉकडाउन पे गाज़ियाबाद के सिटी एसपी आईपीएस नीरज जदौन जी से एक ख़ास बातचीत की। हमारे सवालों पर नीरज जी ने क्या जवाब दिया, देखिए। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल से टाइम दिया। थैंक यू सर। हमारा पहला क्वेश्चन जो है सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लॉकडाउन एक बार ना लोगों को समझा दीजिए, क्योंकि बहुत तरीके की कंफ्यूजन इसके बारे में हम देखने को देख रहे हैं, और सर एक महामारी एक्ट के बारे में लोगों को समझा दीजिए। इसमें हमारी हर थाने में हमारी दो टीम अनाउंसमेंट की लगी हुई है, जो सुबह 3 घंटे जो हमारा जो सुबह निकलने का टाइम होता है, लोग से निकल आते हैं खरीदारी करने के लिए 8 से 11, और शाम को 4 से 9 के बीच में लगातार हमारी टीम ही अनाउंसमेंट करती रहती है इस लॉकडाउन के बारे में और इस कोरोना वायरस के बारे में, उसके अलावा एपिडेमिक एक्ट के बारे में भी जानकारी देती है। तो निरंतर ये प्रयास चल रहा है। जिस दिन से लॉकडाउन घोषित हुआ, जिस दिन इनफैक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता का कर्फ्यू घोषित किया था, तब से ऐसा कार्रवाई चल रही है। ओके, तो सर लॉकडाउन में किन किन चीजों पे पाबंदियां हैं और किन किन चीजों पे पाबंदियां नहीं है? लॉकडाउन पे जिसपे पाबंदी नहीं है, सबसे पहले उनको जानना आवश्यक है। मेडिकल सर्विसेज ओपन है, अगर कोई बीमार है वो एम्बुलेंस से जा सकता है, उसके पास अगर एम्बुलेंस नहीं है तो प्राइवेट गाड़ी में जा सकता है, किसी को दवा लेने जाना है तो दवा लेने जा सकता है, किसी को आवश्यक सामग्री खरीदने जाना, जैसे दूध हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गए, आटा हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया, ये सब खरीदने वो जा सकता है। साथ ही साथ जो सरकारी ड्यूटी पे हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी हो गए, अस्पतालों के डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, कंपाउंडर हो गए, या फिर होम गार्ड हो गए, या फिर जो भी सरकारी ऑफिस टाइम खुले वो जा सकते हैं, लेकिन उनको अपना एक आई कार्ड दिखाना होगा। ओके, इसके साथ ही साथ जो आवश्यक सप्लाई वाले ट्रक हैं, जैसे कि सैनिटाइजर बनना है तो सैनिटाइजर में जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसको ले जा सकते हैं, गैस सिलेंडर वाले ट्रक जा सकते हैं, सब्जी वाले ट्रक, फलों वाले, दूध वाले, तेल वाले, तो जो ट्रक एसेंशियल सप्लाईज वाले जो ट्रक हैं, व्हीकल्स, वो सब जा सकते हैं। तो इन सब चीजों में कोई रोक नहीं। रोक किस में है? जैसे कि सुबह सुबह कोई पार्क में घूमने चला गया, पार्क में किसी के पास अगर कोई पेट है उस पेट को लेकर चला गया, जॉगिंग करने चला गया, या फिर आके ताश खेलने लगे, या फिर कोई मैदान है वहां पर क्रिकेट खेलने लगे, या फिर ग्रुप में आके, जैसे फैमिली में किसी को सब्जी की आवश्यकता है उस परिवार में, तो एक आदमी सब्जी लेने जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि पूरा परिवार ही सब्जी लेने आए। ओके, तो इन सब चीजों पे पाबंदी है। कोई भी प्राइवेट वैसी शॉप, जैसे जिसमें फर्नीचर मिल रहे हो, जिसमें कपड़े मिल रहे हैं, जिसमें नॉन एसेंशियल चीजें मिल रही हैं, उस सारी दुकानों पर रोक। अच्छा सर, हमने अभी रिसेंट इश्यूज में देखा है कि लोगों के घर पे सामान होने के बावजूद भी लोग कॉल करके सामान राशन मंगवा रहे हैं, तो सर इन पर कोई एक्शन आप लोगों ने लिया है? ये कुछ इश्यूज हुए हैं, हम लोगों ने कोई एक्शन तो नहीं लिया है, लेकिन हाँ जो भी है, जैसे हमारी यूपी 112 की कई बार घड़ी गई, तो हमने उनको एक बार समझा दिया है कि इस टाइम जो आप जो कॉल करते हो उस टाइम हमारी यूपी 112 की टीम बिजी हो जाती है उस कॉल को हैंडल करने के लिए, जिनको वाकई जरूरत है उनके यहाँ सामग्री पहुंच नहीं पाती, तो ऐसी कॉल्स बाद में बहुत कम हो गए। ओके, तो सर ये हेल्पलाइन नंबर 112 ही है जिनको अगर अभी सामान चाहिए तो? नहीं नहीं, ये हेल्पलाइन 112 सामान के लिए नहीं है। सामान के लिए जैसे आज 1 अप्रैल से तो राशन की दुकानों पर राशन सामग्री वितरित हो गई। यूपी 112 तो यूपी पुलिस का इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है, 112 जब आपको आवश्यकता हो, लेकिन इस आपदा के समय, इस महामारी के समय, लॉकडाउन के समय, क्योंकि ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है और पुलिस का नंबर हमेशा हम लोग उठाते हैं, तो फिर पब्लिक में खाने की समस्या है, दवा की समस्या है, फिर या फिर कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, तो इन सब लोगों ने पुलिस नंबर 112 पे कॉल किया था, तो हम लोगों ने मदद भी उनको की थी, जन सहयोग से मदद की गई थी, लेकिन क्योंकि अब राशन की दुकानें खुल गई हैं, राशन का आज पूरे उत्तर प्रदेश में राशन बांटा गया है, तो अब ये कॉल आनी कम हो। ओके सर, अभी जो माइग्रेंट्स हम लोगों ने देखे, तो जो अभी रैन बसेरों में रह रहे हैं, जिनके साथ अभी एकाएक लॉकडाउन हो गया तो कई लोग कई जगह पे फंस गए हैं, तो उनके लिए सर क्या व्यवस्था की गई है आपकी तरफ से? ये इसमें तो जिलाधिकारी महोदय इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, लेकिन जहां तक पुलिस का सवाल है, तो जब कुछ 2-3 दिनों की समस्या ज्यादा हो गई थी, जो लाल कुआ पे काफी भीड़ हो गई, तो हम लोगों ने सभी ने जो बसेज हो गई थी, रोडवेज की
रोडवेज की बसेस हो गई थी, उनसे हम लोगों ने सभी सभी लोगों को इवैक्यूएट करा दिया गया, और जो गांव में लोग पहुंच रहे हैं तो उनको क्वारंटीन कराया जाए। लेकिन विस्तृत जानकारी सीएमओ या जिलाधिकारी को देना। ओके तो सर इसमें हम लोगों ने कई लोगों से देखा, कई लोगों ने हमसे बात भी की, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हम एक्चुअली मदद करना चाहते हैं, हम एक दिन में 10-10 लोगों का खाना बना सकते हैं, तो अगर हमें वो बांटना चाहे तो हम पुलिस को ये कैसे दें, कैसे हम उन्हें बताएं कि मेरे पास भी कई फोन आया सर, हम लोगों ने एक सिस्टम बना रखा था, उस सिस्टम में ये था कि ये चाहते तो संबंधित थाने से बात कर सकते हैं, और संबंधित थाना फिर जो हमारी जितनी भी 100 नंबर जो 112 नंबर की गाड़ियां हैं उन 112 नंबर की गाड़ियों में ये लोग पैकेट्स रखवा देते, क्योंकि सारी कॉल्स हमारी यूपी 112 नंबर पर ही आती थी, तो कॉल्स के अनुसार आवश्यकता के अनुसार 112 नंबर की गाड़ियों वाले जिनकी भी ड्यूटी हो उसमें वो राशन की सप्लाई करते थे। ये लोनी में यही मॉडल चला है, मुरादनगर में काफी हद तक ये मॉडल चला है, लेकिन अब कॉल्स आनी बंद हो जाएंगी क्योंकि अब राशन मिलने लगा है सरकारी दुकानों से, और वो शुरू ओके सर हमने कई वीडियोस और न्यूज में ये चीज देखी है कि पुलिस के साथ बदसलूकी हो रही है, और कई जगह पे ये भी देखे कि पुलिस के द्वारा भी बदसलूकी की गई है, तो सर लॉकडाउन में इन लोगों को तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जिन्होंने पुलिस के साथ बदसलूकी की, और कई जगह एक वीडियो एक वायरल हुआ था जिसमें इंस्पेक्टर साहब सब्जी के ठेले को सब्जी की टोकरियों को लात मारते हुए दिख रहे थे, तो ऐसी चीजों में उसमें जहाँ तक गाजियाबाद का सवाल है मुझे ऐसा कोई वीडियो मुझे मेरे संज्ञान में नहीं, नहीं सर गाजियाबाद तो नहीं एक्चुअली कहीं और का था ये, मैं बस पूछ रहा हूँ अगर ऐसा केस आपके पास ऐसा केस तो नहीं आया सर। मैं किसी और जनपद के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, जहाँ तक गाजियाबाद का है तो हम निरंतर लोगों को बताते रहते हैं, अपनी फोर्स को मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि थोड़ा चैलेंजिंग टाइम है सबके लिए, चैलेंजिंग टाइम है, हम सभी लोग थोड़े बहुत स्ट्रेस में हैं क्योंकि पुलिस वालों के लिए ड्यूटी कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में भी रहता है कि उसका परिवार है तो कहीं उसको इन्फेक्शन ना हो जाए, सभी के दिमाग में रहता है जो जो सड़कों पर निकल रहे हैं। okay. तो थोड़ा बहुत कभी कभी वो जब कहता है कि भाई आप यहाँ से हट जाओ झंडे में मत घूमो, तो कभी कभी वो अपना आपा खो देता है, आपा ना खो इसके लिए हम उनको बराबर मोटिवेट करते रहते हैं, बराबर काउंसलिंग करते रहते हैं, और जहां तक जनता की बात है जनता भी सिमिलर सिचुएशन में है, जनता भी काफी स्ट्रेस में है, कई लोग हमारे बहुत ही गरीब तबके के आते हैं जिनकी जो डेली वेजर्स हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, तो कभी कभी वो भी कर देते हैं, हम लोग केस टू केस ऐसी चीजों को देख रहे हैं, जहां हमें लग रहा है कि वाकई बदमाशी की गई है, कोई रीजन नहीं है बदमाशी करने का, उनके ऊपर हमने कार्रवाई भी की है, मुकदमा भी लिखा गया है, तो सारी चीजें हो रही है वो केस टू केस बेसिस पे। और सर कई जगह पे हमने रिलीजियस प्लेसेस पे देखे हैं कि क्राउड बहुत ज्यादा एक जगह कहने के बाद भी रिलीजियस प्लेसेस में सब्जी मंडियों में, तो सर ऐसा केस कहीं गाजियाबाद में आया है या फिर अगर ऐसा आया है आपने? गाजियाबाद में हम लोगों ने पहले ही इनिशिएटिव ले लिया था, हम लोगों ने जितने भी धार्मिक गुरु हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों सबसे हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी, जैसे लोनी में हमने बात की थी तो लोनी में उन्हीं लोगों ने टीम अपनी बना दी थी, और ये तो 27 फरवरी निकला है जो शुक्रवार, तो यहाँ पे कोई नमाज नहीं हुई क्योंकि सभी लोगों ने पहले ही जागरूक कर रखा था, तो किसी भी मस्जिद में मास नमाज नहीं हुई, जो टोकन के तौर पर 4-5 लोगों ने अंदर नमाज की हुई क्योंकि मस्जिद में नमाज होनी चाहिए जैसा कि उनका कहना था। इसके अलावा मंदिर भी हमारे आपने देखे होंगे गाजियाबाद में, किसी भी मंदिर में नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के दौरान भी कहीं कोई भीड़ आपको नहीं दिखी होगी, तो सबसे बात कर ली गई थी, सब लोगों को समझा दिया गया था, सब लोगों ने पूरा कॉपरेट किया, जनता ने धर्म गुरुओं ने मौलानाओं सभी लोगों ने पूरा कॉपरेट किया, तो कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं आई है। और जहां तक सब्जी मंडी की बात है तो हम लोगों ने सब्जी मंडियों में जैसे कि लोनी बॉर्डर में लालबाग मंडी है, तो पहले एक दो दिन में काफी भीड़ वहां हो गई थी, हम लोगों ने कुछ चीजें वहां पे की हैं, पार्किंग अलग कर दी है, और जो जो रिटेल खरीदने वाले हैं उनको हमने वहां से हटा दिया है कि आप होलसेल मंडी है तो होलसेलर भी वहां खरीदने जाएंगे, इसी तरह कहीं बाजार भी लगते थे तो बाजार हम लोगों ने बंद करवा दिए, केवल आवश्यक सामग्री है, तो अगर कोई सब्जी मंडी भी है तो सब्जी मंडी में दुकानें थोड़ा डिस्टेंस पे, साथ ही साथ जो ठेली वाले होते हैं जो फल बेचने वाले होते हैं सब्जी बेचने वाले होते हैं हम लोगों ने उनसे ये कहा है कि आप अगर एक जगह खड़े हो एक चौराहे पे खड़े हो तो पब्लिक आपके पास आएगी भीड़ हो जाएगी, तो आप ऐसी गलियों में जाओ जहाँ आबादी रहती है, तो जब आप उन गलियों में जाओगे तो एक तो आपकी बिक्री में आसानी होगी और सोशल डिस्टेंस भी एकदम क्लियर हो जाएगा क्योंकि जिसको आवश्यकता वही नीचे आएगा आपसे खरीद ले जाएगा, तो इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज हमने की है, और फिर दुकानों के सामने हमने व्हाइट सर्किल बना दिए हैं एक एक मीटर की दूरी पे, आपने देखा होगा कई जगह की फोटो, उसमें सोशल डिस्टेंस से मदद मिली है सभी को, साथ ही साथ दुकानदारों को हमने कहा है कि आप मास्क पहनिए, और कस्टमर ऐसे कस्टमर जो मास्क पहनकर नहीं आ रहे उनको डिस्करेज करिए, उनको सामान मत दीजिए, तो इस स्थिति में ऐसा हो रहा है कि लगभग सारे कस्टमर्स जो खरीदारी करने आते हैं वो सारे लोग मास्क पहनकर आए, चीजें ऐसी हुई हैं। ओके
सर एक चीज मेरा ये सवाल है कि जो पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे हैं सर, है तो वो भी इंसान ही, तो सर उन लोग के मेडिकल चेकअप के लिए अभी कोई आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है? क्योंकि सर वो लोग भी प्रिकॉशंस आपने क्या दिए हैं, और उनके मेडिकल के लिए कोई बात चल रही है क्या सर इस समय? नहीं, उनके प्रिकॉशंस हेतु हम लोगों ने सभी को मास्क मुहैया करा दिए गए हैं, सभी के पास सैनिटाइजर है, सभी को लिक्विड सोप दे दिया गया, सभी को ग्लव्स दे दिए गए, ये तो मिनिमम जो बॉडी गेयर है सबको दिया जा चुका है। साथ ही साथ हम लोगों ने एक टीम बना रखी है, जिसको जरा सी भी कोई दिक्कत हो, जैसे पुलिस लाइन में टीम है तो किसी को कुछ भी परेशानी है तो उसको तुरंत केटर किया जाता है, उसका तुरंत हम लोग चेकअप करवाते हैं, कहीं ज्यादा इश्यू तो नहीं है। साथ ही साथ हम लोगों ने शिफ्ट भी थोड़ा रिलैक्स किए, जैसे यूपी 112 की जो हमारी पहले जो फोर व्हीलर है उनकी 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी, हम लोगों ने उसको करके 8-8 घंटे की शिफ्ट कर दिया, जिससे सभी को आराम मिलता है, कोई बहुत ज्यादा थके नहीं, ये सारी चीजें की गई हैं, सबको आराम देते हुए। ओके, और सर आप लोगों को, देश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मेरा यही रहता है कि पहली बार हम सबके जीवन में एक ऐसा अवसर आया कि हम सब लोग एक होकर इस युद्ध के खिलाफ अच्छे से लड़ें, सब एक होकर लड़ें। अगर कोई हम एक इस मौके पर भी अगर हम एक नहीं हो पाते तो फिर हम इस युद्ध को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही भयंकर युद्ध है। सभी लोग घर पे रहें, अनावश्यक घर के बाहर ना निकलें, हमेशा हाथ धोएं एक एक घंटे में, किसी को अनावश्यक टच मत करें, हमेशा मास्क पहने, और बिल्कुल जब जरूरत है आपको तभी आप लोग घर के बाहर ना बाहर निकलें। ऐसा ना हो कि आपने रूटीन बना लिया कि मुझे डेली निकल के सब्जी लेना है, आप एक काम करिए 7 दिन की सब्जी एक बार में ले लीजिए, तो आपको 7 दिन में एक ही बार निकलना पड़ेगा। इस तरह की छोटी छोटी चीजें करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, तभी हम इस जंग से जीत पाएंगे। ओके सर, आसपास में कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बयानबाजी जो कई जगहों पे देखने को मिली वो सर गाजियाबाद में तो नहीं मिली अभी तक? नहीं, गाजियाबाद में कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं मिले, गाजियाबाद की पब्लिक ने बहुत सहयोग किया, बहुत ज्यादा सहयोग किया, क्योंकि आप जानते होंगे गाजियाबाद में जो लूनी है एरिया बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, शहर के एरिया उतने गाजियाबाद में काफी ओपन स्पेसेस हैं शहर में, लेकिन जो लोनी हो गया या फिर मसूरी टाफना हो गया, इतने डेंसली पॉपुलेटेड हैं, बड़ी बड़ी परिवार रहते हैं छोटे से घर में, उन लोगों ने भी काफी सहयोग किया है। और कुछ मुरादनगर वो मसूरी में ऐसी गलियां हैं जिन लोगों ने खुद ही लॉकडाउन कर रखा है, खुद ही पोस्टर चिपका रखे हैं कि उस गली के बाहर कोई नहीं निकलेगा, तो जनता पूरी तरह से सहयोग कर रही है। और जो लॉकडाउन गाजियाबाद में काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ है वो केवल और केवल जनता के सहयोग के कारण ही हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जन सहयोग मिलता रहेगा। जी सर, और सर बाकी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो गाजियाबाद की जनता से कुछ अगर सीख सके या वो कुछ सीख सकती है, तो ऐसा कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे सर? बाकियों के लिए तो सभी को एक होना है, तो चाहे गाजियाबाद हो चाहे कोई और जनपद हो, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है इस लॉकडाउन है, सभी से अपील रहेगी कि इसको सक्सेसफुल करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें और सब एक रहें, अगर एक रहेंगे तभी हम लोग जीत पाएंगे, यही मेरी अपील रहेगी। और कुछ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।